Hi and assalamu alaikum everyone. Welcome to the next lecture of the Law Life Solutions series. My name is Muhammad Atif Nazir, advocate. I'm a lecturer as well. We today have to discuss the objects of interpretation of statutes. This is particularly a concepts building lecture, and as Napoleon Bonaparte once said, be clear and the rest follows. Let's try to clear up some of our concepts regarding interpretation of statutes. दोस्तों, आपको लॉ लाइफ सॉल्यूशन सीरीज़ के अगले लेक्चर में खुश आमदेद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ नज़ीर, एडवोकेट है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जैसे एक दफ़ा कहा था कि अगर आप वाज़े तौर पर किसी चीज़ को समझ सकते हैं तो बाकी सारी कामयाबियाँ उसके बाद आपका मुकद्दर ठहरती हैं। इसी असूल के पेश नज़र कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के। Now, objects of interpretation of statutes, there are primarily the following threefold objects of interpretation. अब हम ये देखते हैं कि जब भी कानून की तबीर व तशरी के मकासद की बात होती है तो तीन तरह की बुनियादी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। नंबर वन, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू मीनिंग्स। एज इट इज क्लियर दैट स्टैट्यूट्स आर कम्पोज ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज, वेयर एज द वर्ड्स कैन समटाइम्स बी कैरियंग मल्टीपल मीनिंग्स एंड कोनोटेशंस। Therefore, the first task of the courts is to determine the meanings of different words and phrases used in a statute. अब दोस्तों, पहली बात यह है कि तयन करना अल्फाज के सही मानी का, ये बात बड़ी क्लियर है कि जो भी कवानीन हैं ये किसी ज़बान से बने होते हैं, ज़बान के अंदर अल्फाज और जुमले इस्तेमाल होते हैं। जब भी अल्फाज होंगे तो ये बात भी हो सकती है कि उनके मुख्तलिफ मानी हों और उन मानी के भी अंदर मुख्तलिफ मतालिब या सेंसेस मौजूद हों। लिहाजा अदालतों का एक पहला काम ये होता है कि वो तयन कर लें मुख्तलिफ अल्फाज के मानी का या जुमलों के मानी का जो कि एक कानून में इस्तेमाल होते हैं। पॉइंट नंबर टू इज़ फाइंडिंग द रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। एज वी नो दैट लेजिस्लेशन इज द टास्क ऑफ द लेजिस्लेचर एंड कोर्ट्स कैन नॉट अज्यूम दैट पोजिशन वाइल इंटरप्रेटिंग। Hence, while determining the meanings of the words and phrases during the process of interpretation, the courts must find out the intention of the legislature, and in accordance with this intention, they will assign the meaning to the words and phrases used in these statutes. दूसरी बात ये है कि जो मुकन्निना है उसकी असल नीयत को जांचना या भांपना। हमें ये बात पता है कि जो कानून साजी है ये मुकन्निना यानी असम्बलियों या लेजिस्लेचर का काम है। अदालतें वो हकूक और वो मर्तबा हासिल नहीं कर सकती जब भी वो कानून की ताबीर व तशरीह कर रही होती हैं। लिहाजा जब भी अल्फाज के मानी के तयन करने की बात आती है या जुमलों को के वजाहत की बात होती है, जब भी ऐसा होता है तबीर व तशरी के अमल के दौरान, अदालतों को ये बात लाजमी तौर पर चाहिए कि वो जो मुकन्निना है उसकी नीयत, उसकी सही इंटेंशन को फाइंड आउट करें और इस नीयत के मुताबिक वो हमेशा कोई ना कोई मानी का जामा पहनाएंगे उन अल्फाज को या जुमलों को या उन खास तरह की तराकीब को जो कि कवानीन में इस्तेमाल होती हैं या की जाती हैं। पॉइंट नंबर थ्री इज रिमूविंग द एम्बिग्विटीज। सिंस वी कैन असेस दैट द जॉब ऑफ द ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू लॉज इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इट रिक्वायर्स वेरी कीन इनसाइट इनटू द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एज वेल। बट एज दे से टू एर इज ह्यूमन, सो दैट हाउ सो केयरफुल एज इट मे कंसिडर इटसेल्फ, द लेजिस्लेचर इज ऑलवेज प्रोन टू द यूज ऑफ words giving rise to ambiguities or double meanings. Now when such a law comes before a court of law, its job and function would be the removal of such ambiguities and clarifying the true meanings of the words used in a statute. Teesra aur ahem nukta hai maqasid jo hai interpretation unke hawale se ke ambiguities yani जो डबल मीनिंग्स हैं या कोई भी शकूक व शुभात हैं, इबहाम हैं, उनको दूर कर देना। ये बात हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो ड्राफ्टिंग का काम है या नए कानून बनाना है,
ये कोई जो है ना खाला जी का घर नहीं है। इसके हवाले से बहुत ही गहरी एक नज़र होनी चाहिए जो ड्राफ्ट्स मैन है या जो असेंबलियों के लोग हैं उनकी अल्फाज के हवाले से, न सिर्फ अल्फाज बल्कि उनके मानी और मतालब और उनके सेंसेस के हवाले से। मगर जैसा कि ये कहा जाता है कि गलती करना इंसान का काम है, इंसान खुदा का पुतला है, लिहाजा जितना भी वो अपने आप को मोहतात महसूस करे या जाने, हमेशा मुकन्ना कोई ना कोई अल्फाज के हवाले से गलती कर ही जाया करती है या कर ही सकती है, और जिसकी वजह से कोई ना कोई इबहाम पैदा होता है या दोगले मतालब का मसला सामने आता है। अब जब ऐसा कानून किसी भी अदालत के सामने पेश होगा या सामने आएगा, उस अदालत का काम कुछ यूं होगा कि ऐसे अभाम को दूर कर दिया जाए और ये बात वाजिया की जाए कि जो सच्चा सही मतलब है उन अल्फाज का जो कि कानून में इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या है। नेक्स्ट वी कम अक्रॉस दी अनदर एरिया विच इज़ दी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऑन जुडिशल इंटरप्रिटेशन। एज मैनी ऑफ यू मे नो दी सॉवरन पावर ऑफ स्टेट इज डिवाइडेड इंटू थ्री ऑर्गन्स, नेमली लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब हम इस बात पर अगला जो हमारा नुक्ता नज़र है वो ये है कि ऐसी कौन सी जो लिमिटेशन हैं या हदूद व कयूद हैं जो अदालती ताबीर व तशरी है, अमल अदालती ताबीर व तशरी का अमल है उसके हवाले से। बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जो एक रियासत की जो खुद मुख्तार या जो इक्तदार आला की कुव्वत है, इस कुव्वत का इस्तेमाल तीन बुनियादी ऑर्गन्स हैं रियासत के या इदारे हैं जिनकी मदद से वो किया जाता है। इनको थ्री पिलर्स ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। रियासत के तीन जो अहम सतून हैं उनमें पहला है मुकन्ना, दूसरा अदलिया और तीसरा इंतज़ामिया। नाउ ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स हैज़ अ स्पेसिफिक रोल। द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ टू मेक न्यू लॉज और टू अमेंड द एग्जिस्टिंग वंस। द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई दीज लॉज स्पेशली इन न्यू केसेज। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ टू इन्फोर्स दोज लॉज। अब दोस्तों, जो ये तीनों के तीनों जो इदारे हैं, जो एक रियासत के तीन बड़े आज़ा हैं, उनका कोई ख़ास किस्म का काम होता है। जो मुकन्ना का काम है वो नए कवानीन का बनाना या फिर जो मौजूदा कवानीन है उनकी तरमीम, उनके अंदर तरामीम को करना। जो अदलिया का काम है, जो उसका रोल है वो ये है कि वो ताबीर व तशरी करती है कवानीन की और ख़ास तौर पर उन कवानीन का इतलाक नए केसों में किया करती है। इसी तरह जो इंतज़ामिया का जो काम है वो है कि ऐसे कवानीन का निफाज बज़ोर कुव्वत भी वो उनको नाफिज कर सकती है। नाउ रिगार्डिंग जुडिशरी, लेट मी क्लैरिफाई दैट इट इज़ सेड दैट इट टेक्स अ ह्यूमन बीइंग टू लिसन टू द केसेस एंड अप्लाई एंड इंटरप्रेट देम फॉर द सेक ऑफ न्यू केसेस। And it is a very technical, tricky job requiring deep sense and intellect. Otherwise, robots could have been the judges in the courts. अब अदलिया के वाले से ये बात भी वाज़े करता चला जाऊँ कि ये जो कानून की ताबीर व तशरी, ख़ास तौर पर उनको नए केसों में अप्लाई करना, इंतहाई जान जोखों का काम है। बहुत ज़्यादा इसके लिए अक्लमंदी और जनाब गहरी सोच गौर व फ़िक्र चाहिए होता है, और बहुत ही ज़्यादा ये तकनीकी किस्म का काम है। अगर यूँ ना होता तो शायद अदालतों में जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी रोबोट ही बिठा दिए जाते केसों का फैसला करने। नाउ द स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट अफेयर्स कैन ओनली बी इंश्योर्ड इफ ऑल दीज थ्री ऑर्गन्स रिमेन विदिन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ एक्शन एंड रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द फंक्शंस ऑफ अदर्स। टू दिस एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट व्हाइल इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स, कोर्ट्स मस्ट नॉट अज्यूम द पोजीशन ऑफ अ लेजिस्लेचर। But if they tried doing so, it gives rise to a concept similar to judicial activism. Therefore, to avoid the problems or criticism associated with the judicial activism, there are certain limitations on a court's powers
रिगार्डिंग द इंटरप्रेटिंग ऑफ स्टैट्यूट्स। अगली बात यह है कि किसी भी रियासत के मामलात का शफाफ तरीके से आगे चलना अगर उसको यकीनी बनाया जाना है तो ये तीनों के तीनों जो बुनियादी इदारे हैं उनको अपने अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करना आना चाहिए और उनको ये चाहिए कि वो दूसरे इदारे के काम के अंदर मुदाखलत ना करें। ऐसे ही है कि अगर खुदा ना वास्ता दिमाग दिल के कामों में और दिल जो है वो बाकी कामों में रोड़े अटकाने शुरू हो जाए शरियानों में, या फिर जो जिगर है वो इनलार्ज होकर बढ़कर बाकी अज़ा का काम रोक दे तो खराबी आएगी ना। अब अगली बात यह कि इस मकसद के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी कवानीन की ताबीर व तशरी की जाए अदालतें अपने आप को एक मुकन्ना का या असम्बली का रोल ना असाइन कर दें या उस जो है ना पोजिशन में अपने आप को ना जाके तसव्वुर कर लें। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगी तो एक नया तसव्वुर जो है वो उस के मुताबिक काम कर रही होंगी जिसको जुडिशल एक्टिविज़म कहा जाता है, अदालती फाल पजीरी जिसको आप सादा लफ्ज़ों में कह लें। अब ये जो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं रियासत में, ख़ास तौर पर इस पर तनकीद ज़रूर की जाती है। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए अदालतों की जो इख्तियारात हैं उनके ऊपर कुछ कदगन लगाई गई है, कुछ उनकी हदूद व क़ुयूद हैं कानून कवानीन की तबीर व तशरी के हवाले से। नाउ वी कम टू नंबर वन, कोर्ट शुड नॉट लेजिस्लेट वाइल इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स। द प्राइम ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज़ टू डिटर्मिन द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेज यूज्ड इन अ स्टैट्यूट। इफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, द ओनली टास्क ऑफ द कोर्ट वुड बी टू गिव इफेक्ट टू दोज नेचुरल और डिक्शनरी मीनिंग्स टू द पर्टिकुलर वर्ड्स और फ्रेजेज यूज्ड देयरइन। अब दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि अदालत का काम कानून साजी नहीं है, अदालत जो है वो सिर्फ अदलिया है, वो मुकन्ना नहीं है। जब भी वो कवानीन की ताबीर व तशरी करेगी अदालत का बुनियादी काम कुछ यूँ होगा कि वो जो अल्फाज हैं उनके लुगवी मानी, उनके सादा आम फहम मानी उनको जांचने की कोशिश करे, भांपने की कोशिश करे, उनका तय्यन करे। अगर अल्फाज के मानी बिल्कुल वाज़े हैं और उनमें कोई इबहाम नहीं पाया जाता तो फिर अदालतों का काम सिर्फ इतना ही रह जाता है कि उन अल्फाज को उनका सादा आम फहम कुदरती फितरी या लुगवी माना देकर उनको क्लियर कर दिया जाए, उन अल्फाज को या उन तराकीब को। टू गो बियॉन्ड दोज नेचुरल मीनिंग्स एंड टू अननेसेसरीली असाइन स्पेशलाइज्ड or uncalled for meanings to the words and phrases would merely imply that the court has assumed the powers of the legislature and has laid down something very different from what the legislature has actually enacted. Therefore the court should be limited to interpretation but not legislation. ab agar adalat un sada aam fehm alfaz ke maani jo hai wo unko dene ke bajaye usse aage jaakar कुछ और करने की कोशिश करती है और गैर ज़रूरी तौर पर कोई ख़ास किस्म के या मतालब या ऐसे मतालब जो कि नहीं वहाँ पर उन अल्फाज या तराकीब को देने चाहिए, अगर वैसे मतालब का जामा उनको पहनाने की कोशिश करती है, इसका मतलब ये हुआ कि अदालत जो है वो मुकन्ना की ताकतें और इख्तियारात जो है वो हासिल करने की कोशिश या इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और उस चीज़ से बहुत हटकर कानून का मतलब या उसकी ताबीर व तशरी कर रही है जो कानून के मुकन्ना ने असल में बनाया हुआ है। लिहाजा अदालत को ये चाहिए कि वो अपने आप को ताबीर व तशरी तक ही महदूद रखे, कानून साजी की जानिब ना लेकर जाती चली जाए। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऑन द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वुड बी दैट कोर्ट शुड नॉट इन्वेंट न्यू मीनिंग्स।
If there exists any ambiguity, vagueness, or uncertainty in the meaning of a word or phrase, then the courts can go beyond the natural or dictionary meaning of that word or phrase and can assign any other suitable meanings. However, in such cases too, the court is not free to assign whatever meaning it feels like or wants to. अब अगली बात कुछ यूँ है कि अदालतें जो हैं वो कोई नए तरह के अल्फाज के मानी ईजाद करने की कोशिश ना करें खाम का. अगर कोई अभाम पाया जाता है, कोई यानी अनक्लियर गैर यकीनी किस्म के अल्फाज के मानी महसूस हो रहे हैं, कोई उनमें बात वाज़ह नहीं हो रही, अगर मतालिब के हवाले से या किसी तरकीब के हवाले से, अदालतें महज अब वो बाउंड नहीं है, वो कैद नहीं है कि वो आगे नहीं जा सकती उनके फितरी या उनके लुगवी माने से, वो आगे भी जा सकती हैं. उससे आगे बढ़कर वो कोई भी बेहतर तरह का मुनासिब लफ्ज़ का जो मतलब है वहाँ पर वो पेश कर सकती हैं. उस लफ्ज़ का कोई भी मुनासिब किस्म के मानी उस लफ्ज़ के वो पेश कर सकती हैं उस लफ्ज़ या तरकीब के हवाले से, और इसको गोल्डन रूल कहा जाता है, सुनहरा रूल. मगर ऐसे केसेस में भी जहाँ पर कोई ऐसा अभाव मौजूद हो, अदालतें हर तरह से आज़ाद नहीं हैं कि जो मर्जी मतलब वो खुद समझें या चाहें वो उन अल्फाज को वैसे मानी का जामा पहना सकें. नाउ इन केस ऑफ एम्बिग्विटी एंड वेगनेस, द कोर्ट वाइल असाइनिंग प्रॉपर मीनिंग्स और सेंस टू द वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैज टू डिस्कवर द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर फर्स्ट. इन सो डिटरमिनिंग द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, द कोर्ट मस्ट नॉट एक्ट आर्बिट्रेरीली बाय सेइंग यूनिलैटरली व्हाट द लेजिस्लेचर वुड हैव मेंट और स्पेशली what the legislature should have meant. Rather, it should take into consideration certain sources for determining and understanding the intention and mindset of the legislature. In other words, in such a situation, the court shall determine the intention of the legislature by analyzing the mischief it sought to cure, its mischief rule, the legislative history of the statute, the parliamentary debates, etc. Such things are known as external factors. अब अगर ऐसी सूरत हाल जनाब पेश हो जाती है, सामने आ जाती है, जहाँ पर इबहाम है, जहाँ पर कोई शकूक व शुभात हैं, अदालतें जब भी कोई मुनासिब मतलब का जामा पहनाने के लिए जाएंगी अल्फाज को या तरकीब को, तो फिर वो हमेशा ये कोशिश करेंगी कि वो ये डिस्कवर करें, वो ये जांचने की कोशिश करें कि असल नीयत क्या है मुकन्निना की. सबसे पहले वो यूँ करेंगी, जब भी वो असल नीयत जांचने की कोशिश करेंगी, अदालतों को महज अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, महज मनमानी नहीं करनी चाहिए, और अपने तौर पर ही ये नहीं कहते रहना चाहिए कि जनाब जो मुकन्निना है असल में तो यूं लगता है कि वो उनका मतलब कुछ यूं होगा इस ऐसे अल्फाज से. ख़ास तौर पर अदालतों को ये नहीं कहना चाहिए कि मुकन्निना लाजमी तौर पर यह कहना चाहती होगी ऐसी जगह पर. अगर वो यूं करेंगे तो वो हो सकता है कि बिल्कुल ही कोई नया मानी का जामा पहना दें उन अल्फाज को. हाँ, यहाँ पर यूँ ज़रूर होना चाहिए कि अदालतें कुछ ऐसी चीज़ों को तसव्वुर में लेके आएं, कुछ जो हैं अपने सामने कुछ ऐसे वो अवामिल रखेंगी जब भी वो समझना चाहेंगी, जब भी वो जांचना चाहेंगी जो सही नीयत है और जो सही तौर पर जिस तरफ ज़हन जा रहा था जो मुकन्निना का, वो जांचने के लिए कुछ अपने सामने अवामिल ज़रूर रखेगी अदालत, कुछ अपने सामने माखज़ ज़रूर रखेगी. दूसरे अल्फाज में ये बात कहने जा रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में जो अदालतें हैं वो तायुन करेंगी जो सही नीयत है अदलिया मुकन्निना की,
और सही नीयत जब भी वो जांचने की बात होगी वो हमेशा वो इस चीज़ का तयन करेंगी कि वो कौन सी ऐसी मिसचिफ थी या फितना था जिसको मुकन्ना दूर करना चाहती थी उस कानून के ज़रिए। इसको मिसचिफ रूल भी कहा जाता है। इसी तरह जो जो है तारीख उस कानून की या फिर जो पार्लियामान में जो तकारीर वगैरह हुआ करती हैं इन चीज़ों को एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहा जाता है। द पॉइंट नंबर 3 इज़ कोर्ट शुड नॉट ओवरलुक द लेक्यूनाज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी के इफ हाउवर देर आर फाउंड सम लेक्यूनाज इन द स्टैट्यूट देन द जॉब ऑफ द कोर्ट वुड बी टू रिमूव द सेम सो एज टू मेक द स्टैट्यूट ऑपरेटिव और मोर इफेक्टिव बट इन डूइंग सो द कोर्ट कैन नॉट गो फर्दर एंड एड सर्टन थिंग्स विच हैव नॉट बीन कंसीव्ड बाय द पार्लियामेंट और विच वुड बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द स्टैट्यूट इन क्वेश्चन। तीसरा नुकदा ये है कि अदालत को सुकम अगर कोई है कानून में कोई खामी है या डिफेक्ट है वो उससे सरफ नज़र नहीं करनी। अगर कोई ऐसे सुकम या डिफेक्ट या खामियां पाई जाती हैं किसी भी कानून में तब अदालत का ये काम होगा कि वो ऐसे जो सुकम हैं उनको रिमूव कर दे उनका खात्मा कर दे और जो कानून है उसको ज़्यादा मौसर और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करे ज़्यादा बेहतर तौर पर नाफिज़ुल अमल करने की और ज़्यादा मौसर बनाने की कोशिश करे। ऐसा करने में भी अदालत जो है वो आगे नहीं जा सकती। बट ये बात याद रखिएगा कि ऐसा करने में भी अदालत जो है वो बहुत अपनी हदूद से आगे नहीं बढ़ सकती और ऐसी चीज़ें उनका इजाफा नहीं कर सकती जो कि मुकन्ना नहीं चाहती थी या फिर ऐसी चीज़ें जो कि उस कानून के स्कोप से या हदूद क़यूद से बाहर जाती हुई महसूस हों। अब आखिरी द लास्ट पॉइंट वुड बी द सब्जेक्ट मैटर्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड डीड्स। टू पुट इट सिंपली एनी एक्ट और डॉक्यूमेंट मे बी इंटरप्रेटेड बाय अ कोर्ट व्हिच इज़ वैलिडली क्रिएटिंग ट्रांसफरिंग और एक्सटिंग्विशिंग सर्टन राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज एंड सो फॉर दैट मैटर द रिलेशनशिप्स अमंग द इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट। नाउ अब आगे दोस्तों ये बात रह जाती है कि जो कवानीन की ताबीर और तशरी के हवाले से वो कौन सा मवाद है जिसको जिसके ऊपर अदालतें ताबीर और तशरी करती हैं वो कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं या कानूनी दस्तावेजात हो सकती हैं जहाँ पर ताबीर और तशरी जिनके हवाले से की जाती है कवानीन की। अगर सादा अल्फाज में आप पूछें तो कोई भी कानून या कोई भी दस्तावेज़ अदालत उसकी ताबीर और तशरी के लिए जा सकती है जो कि दुरुस्त तौर पर कोई भी पैदा कर रही हो मुंतकिल कर रही हो या ख़त्म कर रही हो किसी भी तरह के हकूक़ को फ़राइज़ को या फिर कोई ज़िम्मेदारियों को या फिर जो है अगर थोड़ी सी इस हवाले से बात की जाए कि उनके आपस में या फिर जो ताल्लुकात होते हैं कोई भी किसी भी तरह के इदारों के अफराद के या अफराद और रियासत के माबैन ऐसे सारे हकूक व फ़राइज़ जो अफराद या रियासतों या रियासत के दरमियान हों अफराद के बाहमी जो हकूक व फ़राइज़ की जो तब्दीली कर रहे हों कोई भी कवानीन या डॉक्यूमेंट्स तो फिर उनके हवाले से ताबीर व तशरी का ऐसी चीज़ों के हवाले से झगड़ा बन सकता है और अदालतें कर सकती हैं। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट मैटर फॉर इंटरप्रिटेशन बाई दी कोर्ट्स। नंबर 1 इज द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट। बींग सो इट्स इंटरप्रिटेशन डिमांड सम ग्रेटर केयर एंड अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। अब जो सबसे आम तौर पर जिन चीज़ों के हवाले से ताबीर व तशरी अदालतें करती हैं या किया करती हैं कर सकती हैं उनमें पहली चीज़ है आइन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आइन जो होता है ये किसी भी रियासत का बुनियादी और बड़ा अहम तरीन जो कानून है वो माना जाता है। अगर ये बात हमारे सामने वाजिया है तो फिर ये भी बात बड़ी क्लियर हो जाती है
कि कानून आइन की तबीर व तशरी के हवाले से जो है ये बहुत ज़रूरी समझा जाता है कि बड़ी ख़ास तौर पर मोहतात रहा जाए और उसको बड़े ध्यान से किया जाए। आइन के हवाले से मिसाल है हमारी जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 1973 का आइन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज़ द लेजिस्लेशन, इट वुड इंक्लूड द स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स और द सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन एज वेल, फॉर एग्जांपल द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। अगला नुक्ता है कानून साजी, इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं इसमें कवानीन भी आ जाते हैं, ऑर्डिनेंसेस भी आ जाते हैं जो सदर या गवर्नर जारी करता है, कई ऑर्डर्स, रूल्स या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन ये इसको मातहत कानून साजी भी कहा जाता है या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। इसके हवाले से जो मिसाल मैं आपको दूंगा वो है पंजाब का जो सारिफीन के तहफ़ का कानून है 2005 का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी एग्रीमेंट्स, एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स, दीज आर इन्फोर्सिबल अंडर द लॉ, फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स। अब अगला नुक्ता जो देने जा रहा हूँ वो है मुआहदों का, कोई भी ऐसे मुआहदे अगर वो कानून के तहत नाफिजुल अमल माने और जाने जाते हैं तो वो ऐसे एग्रीमेंट्स को अक्सर उनकी इंटरप्रिटेशन करती हैं अदालतें। इसकी मिसाल है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स, जब भी जो सालिसी के जो मुआहदे होते हैं एग्रीमेंट्स के हवाले से ये भी याद रखिएगा कि कानून मुआहदा ये कहता है कि कोई भी मुआहदा जो इन्फोर्सिबल अंडर द लॉ होता है, नाफिजुल अमल होता है कानून के तहत, वो असल में कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा माना जाता है। ये सेक्शन 2H है रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर एट अंडर सेक्शन 2H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल अंडर द लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट्स की भी ताबीर व तशरीह अदालतें कर सकती हैं। द कोर्ट्स कैन ऑल्सो डू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। और सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स, दीज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विल्स, गिफ्ट्स, वक्फ, ट्रस्ट, डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल हिबानामा और गिफ्ट डीड। अब कुछ और तरह की ऐसी कानूनी दस्तावेजात आ जाती हैं जैसा कि वसीयतें, जो हिबानामे हैं, वक्फ के जो दस्तावेजात हैं, ट्रस्ट के हवाले से जो वक्फ जो अंग्रेज़ी कानून में जो किया जाता है उसको ट्रस्ट कहा जाता है, इसी तरह डाइंग डिक्लेरेशन या जो जो दमे मर्ग जो बंदा बयान देता है बयान मर्ग, इसी तरह कोई भी हिबानामा, इसकी मिसाल है कोई भी हिबानामा या गिफ्ट डीड, जब भी किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करता है इंसान और उसके हवाले से वैलिड डॉक्यूमेंट बनाता है जो कानूनी तौर पर जिसका गिफ्ट किया जा सके। नेक्स्ट आर द कस्टम्स एंड यूसेजेस, इफ सम कस्टम्स एंड यूसेजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ आर ट्रीटेड इन अ कोर्ट, द कोर्ट कैन वैलिडली इंटरप्रेट द सेम, फॉर एग्जांपल द कस्टम्स और यूसेजेस ऑफ ट्रेड। हमारा आखिरी आज का नुक्ता होगा वो रसूम और रवाजात या उर्फ जो के जिनकी कानूनी हैसियत है, जिनको कानून जानता और मानता है और जिनको एक अदालत में दुरुस्त तरीके पर कानूनी तरीके पर मानने के लिए उनको कहा जा सकता है, पेश किया जा सकता है, तो फिर अदालतें उनकी ताबीर व तशरी भी कर सकती हैं। इसकी मिसाल ये है कि जब तजारती जो रसूम व रवाज या उर्फ होते हैं उनके हवाले से, जैसे हुंडी है, अगर उनके हवाले से कोई झगड़ा हो तो फिर अदालतें उसकी ताबीर व तशरी कर सकती हैं। ये था लॉ लाइफ सॉल्यूशन सीरीज़ का अगला लेक्चर। आप लोगों का देखने का बहुत शुक्रिया। दिस वॉज दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लॉ लाइफ सॉल्यूशन सीरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड व्यूइंग। गुड बाय एज फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।